दोस्तों, कई धार्मिक ग्रंथों और वैज्ञानिक पुस्तकों को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा है कि अगर भगवान को ढंग से समझना है तो हमें प्रकाश को समझना होगा। जब श्री राम जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा कि जगत क्या है, तो वशिष्ठ जी ने बोला, जगत दृश्य प्रपंच है, मतलब प्रकाश द्वारा रची गई एक माया। हम सब ने भगवद गीता में भी पढ़ा है कि आत्मा को कोई मार नहीं सकता है, जला नहीं सकता है, गीला नहीं कर सकता, सुखा नहीं सकता। अब गौर कीजिए कि हमारे संज्ञान में अगर कोई ऐसी वस्तु है तो वो प्रकाश है। प्रकाश को कोई खंडित नहीं कर सकता, जला नहीं सकता, गीला नहीं कर सकता, सुखा नहीं सकता। इसकी पुष्टि मुंडक उपनिषद में भी की गई है, जहां आत्मा को न माप सकने योग्य बताया गया है और उसकी तुलना प्रकाश के कण से की गई है। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश का कण जिसे फोटोन कहते हैं वो भी द्रव्यमान रहित होता है। अब वैज्ञानिक जगत में भी हमने पृथ्वी से अरबों प्रकाश वर्षों दूर की जानकारियों को प्रकाश के कारण ही जाना है। प्रकाश को केवल दिखने वाला प्रकाश मत समझ लीजिएगा, प्रकाश में न दिखने वाली माइक्रोवेव्स, गामा रेज, रेडियो वेव्स सब सम्मिलित हैं। इसलिए प्रकाश को पूर्णतया समझ लेना ईश्वर के करीब पहुंचने जैसा है। और बृहदारण्यक उपनिषद में भी कहा गया है, अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। दोस्तों